हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोडफ्रिक्स मेड बाय यू मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है। अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम से समझ में आ चुकी है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि आप स्टैक का यूज कर सकते हो कम्प्लीटली, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ क्या दिया हुआ है, रिलेटेड टॉपिक्स चेक करो इसके, कि स्टैक आप यूज कर सकते हो। सिमुलेशन, स्टैक और एरे तीन रिलेटेड टॉपिक है, आप बड़े आराम से स्टैक को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप स्टैक को यूज करके स्टैक को ही वैलिडेट करना है, मतलब स्टैक को ऑपरेशन ही तो है ये, तो बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक तो अपने को पुश नाम का एक एरे दिया हुआ था और एक पॉप नाम का एरे दिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, मतलब करना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्टैक बना लो, ठीक है। बोला बिल्कुल सही बात है। अब स्टैक में क्या होता है, बोला पहले अपने को स्टैक में पुश करेंगे तभी तो पॉप आउट करेंगे ना। बोला बिल्कुल सही बात है। तो वही है, नॉर्मल सा है, कोई भी टिपिकल सी चीज नहीं है। नॉर्मली सबसे पहले क्या होगा पुश, बोला वन होगा, क्योंकि यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं एरे को। बोला ठीक है। फिर इसने बोला टू को पुश ऑन कर दो, बोला ठीक है। फिर इसने बोला क्या, थ्री को पुश ऑन कर दो, बोला ठीक है। फिर इसने बोला फोर को पुश ऑन कर दो, बोला ठीक है। अब अपन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पुश करते करते रुक सकते हैं, अपने पास इस चीज की अथॉरिटी है। अपने को ये जरूरी नहीं है कि अपना पूरा का पूरा एरे जो है वो एक साथ ही पुश होना चाहिए। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या बोल रहा था पॉप वाला, कि मेरे को ना फोर को पॉप करना है। तो जैसे अपन ने फोर को पुश किया, अपन ने बोला हाँ अब अपन इसको पॉप आउट कर सकते हैं, तो बोला ठीक है चलो इसको पॉप आउट कर दो। बोला ठीक है, कर दिया फोर को पॉप आउट। उसके बाद में फिर अब अपने को पॉप क्या करना है, तो फाइव, फाइव इसमें अभी तक पुश हुआ ही नहीं है, तो चलो ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन ने यहाँ तक फोर तक पुश कर दिया था, अब अपन फाइव को पुश कर लेते हैं। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइव को पुश कर दिया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, बोला फाइव को पॉप करना था, बोला हाँ, बोला ठीक है फाइव को पॉप कर देते हैं। उसके बाद में फिर उसने क्या बोला, बोला थ्री को पॉप करना है, बोला ठीक है थ्री टॉप पे है, बड़े आराम से पॉप हो जाएगा। फिर क्या बोला, बोला टू को करना है, बोला हाँ आप टू ही है टॉप पे, बड़े आराम से हो जाएगा। बोला आप किसको करना है, वन को करना है, वन ही बचा है टॉप में, बड़े आराम से हो जाएगा। तो अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझो कि अपना पुश ऑपरेशंस भी सारे हो चुके हैं और पॉप ऑपरेशंस भी सारे हो चुके हैं, लास्ट में अपने पास क्या बचा है अपने स्टैक के नाम पे, बोला एम्प्टी स्टैक बची है, कुछ भी नहीं बचा आपके पास में। तो अपन क्या बोलेंगे, बोला हाँ ये अपना वैलिड था, ये अपना वैलिड था। तो भैया ऐसे तो हर बार ही वैलिड होगा, बोला नहीं होगा। बोला देखो इस बात को दोबारा समझो, अपन दोबारा इसमें पुश करते हैं। बोला ठीक है, वन टू थ्री और फोर, ठीक है। अब जस्ट अपने को जो पॉप है ना, पॉप वाले एरे को अपन थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और इसको अपन ये कर लेते हैं कि पहले तो अपने को फोर ही पॉप करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने को फाइव पॉप करना है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने को थ्री करना है, उसके बाद में अपने को वन पॉप करना है, अपन ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, वन करना है, फिर उसके बाद में टू करना है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है। अब अपन ने क्या बोला, बोला फोर पॉप करना था, बोला ठीक है कर दो फोर पॉप कर दो। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या बोला, बोला फाइव पॉप करना है, तो फाइव तो अब तक इंसर्ट ही नहीं हुआ है। बोला ठीक है, तो फाइव को इंसर्ट करवा दिया, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, फाइव को भी पॉप कर देते हैं। बोला ठीक है। फिर इसने क्या बोला था, बोला थ्री को पॉप करना है, बोला ठीक है थ्री को भी पॉप कर देते हैं। फिर इसने क्या बोला था, वन को पॉप करना है। अब वन को कैसे करोगे, टॉप पे तो वन है नहीं। ओ के हाँ, आप पॉप सिर्फ उसी को कर सकते हो जो एलिमेंट टॉप पे हो। बोला ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एक चीज क्लियर हुई। बोला ठीक है। अब दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज कि आप इसमें पुश जब भी करोगे ना, हाँ, तो इसमें कंटिन्यूअस वे में ही पुश कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने वन पुश कर दिया, ठीक है, उसके बाद में टू पुश कर दिया सपोजिंगली, और उसके बाद में आप बोलो नहीं मैं थ्री और फोर को स्किप कर देता हूँ, पहले मैं फाइव को पुश कर देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ये कर सकते हो कि आप वन को पुश कर दिया, टू को पुश कर दिया, आप चाहो तो पहले इसमें से पॉप करवा लो, चाहे अगर आपको टू पॉप कराना है आप टू पॉप करा लो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप पुश कोई भी एलिमेंट को छोड़ के नहीं कर सकते, जो भी एलिमेंट है सीरीज में आपको सीरीज में ही पुश करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। बोला ठीक है। सेम गोज विद पॉप, कि जो भी एलिमेंट है वो सीरीज में ही आपको पॉप आउट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि पहले मैंने वन पॉप कर दिया फिर मैंने टू कर दिया एंड वाइस वर्सा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इसी सीरीज में चलना पड़ेगा जिस सीरीज में गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। बोला नहीं। सिमिलरली पुश में भी वही है। बोला हाँ, इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो तो गई, यही तो इसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई। क्या स्टैक बना लो, स्टैक बना के अपन क्या बोलेंगे, बोले इस पूरे के पूरे पुश के ऊपर अपन इटरेट करवाएंगे। बोला ठीक है। तो पुश के ऊपर इटरेट कराया, सबसे पहले पुश वाली जो भी वैल्यू आएगी वन, वो अपन ने इसके अंदर पुश ऑन कर दी। फिर अपन ने बोला कि क्या यह अपने को पॉप करनी थी क्या स्टार्टिंग में, बोला नहीं अपने को स्टार्टिंग में पॉप नहीं करनी थी। बोला ठीक है छोड़ दो, दूसरी वैल्यू को पुश ऑन कर दो, बोला कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इसको भी देखो, बोला टू पॉप आउट करना था क्या, बोला नहीं करना।
बोला थ्री चेक कर लो, बोला थ्री भी पॉप आउट नहीं करना, थ्री को पुश कर दिया, अब फोर को पुश कर दिया, बोला ठीक है फोर को पुश कर दिया, अब फोर पॉप आउट करना था क्या, बोला हाँ फोर पॉप आउट करना था, बोला ठीक है फोर पॉप आउट कर दिया, उसके बाद में थ्री पॉप आउट करना था क्या, बोला नहीं फाइव करना है, बोला ठीक है फाइव तो है नहीं अपना तो अपन आगे चलते हैं, बोला ठीक है फाइव अपन ने पुश ऑन कर दिया, फाइव पुश ऑन करते अपन ने बोला बोला फाइव पॉप आउट करना था क्या, बोला हाँ, बोला ठीक है कर देंगे, फाइव पॉप आउट कर दिया, फिर अपन बोलेंगे बोला अगला, बोला थ्री है, बोला हमारा भी थ्री है पॉप आउट कर दो, फिर अगला बोला टू है हमारा भी टू है बोला पॉप आउट कर दो, बोला वन है हमारा भी वन है बोला पॉप आउट कर दो। अब अपने को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मिला कि अपने जो पुश वाली जो स्ट्रिंग थी, पुश वाला जो एरे था वो कंप्लीट हो चुका है, बोला ठीक है कंप्लीट हो चुका है, तो अपन क्या बोलेंगे अपन इसके बाहर आ गए, बाहर आते अपन ने देखा कि अगर अपनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टैक एम्प्टी है इसका मतलब तो ठीक है, तब तो अपने पुश पॉप ऑपरेशन सेम थे, वैलिडेट हो जाएंगे, ट्रू आ जाएगा आंसर, मतलब ट्रू रिटर्न करना है अपने को, और नहीं तो अपने को फॉल्स रिटर्न करना है। अब ये फॉल्स कब आएगा, इस वाली आउटपुट में, क्योंकि इस वाले आउटपुट में क्या हुआ, पुश तो सारे हो जाएंगे बट पॉप सारे नहीं हो पाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होंगे ये अपने को जी क्लियर सी अंकित, बात है, क्लियर सी बात है। इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लो, इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं अपन ने कुछ भी नहीं किया, एक नॉर्मल सी स्टैक बनाई है जिसके अभी अभी अपन बात कर ही चुके हैं, बोले ठीक है। फिर अपन ने एक इंट जे इक्वल टू जीरो लिया है, क्यों लिया है क्या है ये, इसके टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इनिशियलाइजेशन है अभी, अब कोई टेंशन मतलब, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। फिर आपने क्या किया, बोले जो पुश वाला है, पुश वाला जो वेक्टर है ठीक है, इस पे आप इटरेट कर रहे हो, बोले ठीक है, तो इटरेट कर रहे हो कैसे, बोले नॉर्मली फोर लूप से इटरेट कर रहे हैं, जो भी इसकी वैल्यू होगी, मतलब पहले वन आएगी तो वन किस में आ जाएगी वैल में, फिर टू आएगी टू किस में आ जाएगी वैल में, एंड वाइस वर्सा, बोला ठीक है। आपने सबसे पहले आपके पास आया वन, ठीक है वन आते ही आपने स्टैक में इसको पुश कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर सी बात है ठीक है। उसके बाद में फिर आपने क्या बोला, बोला एक तो मेरी स्टैक की साइज जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मेरा वाइल का लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरी साइज ग्रेटर देन जीरो हो, और मेरा जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, जो भी मेरे स्टैक के टॉप में है, वो मेरे पॉप वाले में उस पोजीशन पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो इनिशियली भी मैं जीरो पे खड़ा हूँ, इसीलिए अपन ने ये जी लिया था, बोला ठीक है ये अपना पॉप वाले में अपने को ट्रेड कराने में मदद करेगा, बोला ठीक है। तो अभी अपन जीरो पे हूँ, जीरो पोजीशन पे हूँ, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने देखा कि क्या मेरा टॉप इक्वल है क्या, बोला नहीं है, बोला ठीक है वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अपन वापस आ गए इस कंडीशन में, वापस आते ही अपन ने क्या बोला, बोला अब वेल में क्या गया टू, ठीक है तो टू पुश हो जाएगा, क्या टू टॉप के बराबर है पॉप के, बोला नहीं है, बोले ठीक है तो वापस अपन जाएंगे, वाइस वर्सा थ्री पुश हो जाएगा, वाइस वर्सा अभी सेम नहीं है, टॉप इक्वल नहीं है ठीक है, अब फोर पुश हो जाएगा ठीक है, अब फोर पुश हो गया, बोले बहुत ही बढ़िया क्लियर सी बात है, अब टॉप में क्या चुका है फोर, ठीक है अब स्टैक के टॉप में क्या है फोर है, और पॉप के स्टार्टिंग में भी फोर है, बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इक्वल कंडीशन आ गई है, और स्टैक के साइज भी अपनी ग्रेटर देन जीरो है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन क्या कर देंगे, स्टैक में से पॉप कर देंगे, बोला ठीक है। तो अब स्टैक में क्या बच गया, बोला वन, फिर टू, और लास्ट में टॉप पे क्या बचा है थ्री, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर सी बात है। और अपन ने जे भी प्लस प्लस कर दिया, जे क्यों प्लस प्लस किया कि अपना ये वाला एलिमेंट अपन पॉप आउट कर चुके हैं, अब अपन इस एलिमेंट पे आ चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर सी बात है। फिर आपने क्या किया दोबारा, बोला दोबारा अपन इस पे आए, इस पे आके अपन ने बोला कि अब वैल में क्या है क्या है फाइव, अपन ने फाइव को पुश ऑन कर दिया स्टैक के अंदर, बोला ठीक है। स्टैक के अंदर पुश ऑन करने के बाद में वापस वाइल का लूप चला कि क्या मेरे स्टैक के साइज ग्रेटर देन जीरो है, बोला हाँ जी भी है ग्रेटर देन जीरो है, क्या मेरे टॉप पे, क्या मेरे स्टैक के टॉप पे ये वाला एलिमेंट है फाइव, बोला हाँ जी भी है बिल्कुल सही बात है फाइव है, तो चलो ठीक है स्टैक को पॉप करा दो और जे को प्लस प्लस करा दो, बोला ठीक है जे यहाँ पे आ गया, और जैसे स्टैक को पॉप कराया तो अब स्टैक के टॉप पे क्या आ चुका है, बोला थ्री, बोला ठीक है अब यहाँ पे वापस बताओ कि क्या यहाँ पे थ्री है, वाइल का लूप पर ध्यान रखना है, जब तक टॉप सेम रहेगा तब तक ये वाइल का लूप चलता रहेगा, बोला ठीक है। तो क्या थ्री इक्वल है, बोला हाँ जी भैया थ्री इक्वल है, वापस पॉप करवा दो, बोला ठीक है वापस पॉप करा दिया और जे को प्लस प्लस कर दिया तो जे यहाँ पे आ गया, अब बताओ स्टैक को पॉप कराते क्या होगा वहाँ पे, बोला टॉप पर आ जाएगा टू, बोला ठीक है वापस सिमिलरली टू आ गया, बोला फिर वन आ गया, और फिर वन भी क्या हो जाएगा पॉप आउट हो जाएगा, बोला ठीक है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो चुकी है, स्टैक एम्प्टी हो चुकी है, तो ये कंडीशन अपनी वैसे ही फॉल्स हो गई, बोला ठीक है स्टैक एम्प्टी हो चुकी है, स्टैक के साइज ग्रेटर देन जीरो नहीं है, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। अपने यहाँ पे आते क्या देखा कि अपनी जो स्टैक के साइज है वो इक्वल टू जीरो है क्या, अगर इक्वल टू जीरो हुई तो ट्रू मार्क हो जाएगा, क्योंकि अपने ट्रू ही करवाना है इक्वल टू जीरो में, क्योंकि वहां पे अपना ऑपरेशन वैलिडेट हो रहा है, और अगर इक्वल टू जीरो नहीं हुई तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, और अपने को फॉल्स ही कराना है अगर इक्वल टू जीरो नहीं है, तो क्लियर सी बात है, बोला हाँ। अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला अभी ऑफकोर्स सी बात है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी ऑफ एंड, क्योंकि अपन एक बार पूरे पे ट्रेड कर रहे हैं पुश पॉप पे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला वो भी होगी ऑफ एंड, क्योंकि हो सकता है ना वर्स्ट केस सिनेरियो में अपने को पूरा का पूरा एरे एक साथ पुश करना पड़ जाए, बोला ठीक है। सबमिट करके अपन ने देख लिया, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।